हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल फ्राइड टेस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं टाटा एस गोल्ड सीएनजी के बारे में। टाटा एस गोल्ड 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, टाटा एस गोल्ड पेट्रोल, टाटा एस गोल्ड डीजल, और आज हम रिव्यू करने वाले हैं टाटा एस गोल्ड सीएनजी के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या इस गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, क्या प्राइस में हमें गाड़ी मिलेगी, क्या माइलेज हमें गाड़ी देगी, और क्या पासिंग और GVW रहेगा इस गाड़ी का। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे क्या क्या फीचर्स हमें टाटा इस गाड़ी के अंदर देता है। और अगर आपको टाटा एस गोल्ड पेट्रोल और डीजल का रिव्यू जानना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक है वो देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको तीनों वीडियो गाड़ियों का कंपैरिजन देखना है तो वो भी मैं लेके आने वाला हूँ, तो आप गाड़ी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गाड़ी के इंजन के बारे में बात करेंगे तो इस गाड़ी में लगा हुआ है टाटा का 2 सिलेंडर 694 cc का मल्टी पॉइंट गैसोलीन इंजेक्शन इंजन, जो कि जनरेट करता है 26 हॉर्स पावर की 4000 rpm पर। और अगर हम इससे जनरेट हुए टॉर्क की बात करें तो यहाँ पे हमें मिल जाता है 51 Nm का टॉर्क 2500 rpm पर। और अगर हम गियर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें मिल जाता है GBS 65 का गियर बॉक्स, जिसके अंदर हमें 5 फॉरवर्ड और एक रिवर्स गियर बॉक्स मिलता है। और यहाँ पे हमें सादा स्टेयरिंग सिस्टम मिलेगा, और जो क्लच प्लेट रहेगी वो यहाँ पे ड्राइव फ्रिक्शन क्लच प्लेट मिलेगी। इस गाड़ी की टॉप स्पीड की अगर हम बात करें तो यहाँ हमें मिल जाती है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड, और 29% की ग्रेडेबिलिटी मिल जाती है। मतलब जो गाड़ी की चढ़ाई लांगने की क्षमता है यहाँ पे वो ग्रेडेबिलिटी 29% की मिल जाती है। 1630 kg का हमें यहाँ पे जो GBW मिलेगा। और अगर हम पासिंग की बात करें तो यहाँ पे इस गाड़ी की 640 kg की पासिंग हमें टाटा देता है। ब्रेक की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमें ऑयल ब्रेक मिल जाएगा, फ्रंट में हमें डिस्क ब्रेक मिलेंगे और रियर में हमें ड्रम ब्रेक मिलेंगे। और अगर यहीं हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो हमें फ्रंट में यहाँ पे पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग मिलेगी, और रियर में हमें सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग मिलेगी। इसी के साथ यहाँ पे ड्राइवर का कंफर्ट बनाने के लिए यहाँ पे टेलीस्कोपिक शॉक अब्जॉर्बर का भी यूज़ करा गया है। टायर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे 144 R 112 LT के 8 ply के 12 इंच के रेडियल ट्यूबलेस टायर। और यहाँ पे हमें अगर हम फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पे हमें 12 kg के टोटल फ्यूल टैंक मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपका 6-6 लीटर की 2 गैस टैंक होंगे। और इस इन दोनों टैंक्स के अंदर 70 लीटर की यहाँ पे CNG फिल हो सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के डाइमेंशंस के बारे में। सबसे पहले हम इस गाड़ी की लंबाई की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें 4075 mm की लंबाई मिल जाएगी, और चौड़ाई की बात करते हैं तो यहाँ हमें 1500 mm की चौड़ाई मिल जाएगी गाड़ी की। और व्हील बेस हमें यहाँ पे हमें 2250 mm का व्हील बेस मिलेगा, और ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm की मिलेगी। और लोड बॉडी की हम बात करें तो यहाँ पे हमें 8.2 फीट की लंबाई की बॉडी मिल जाएगी, और जिसकी चौड़ाई 4.9 फीट होगी, और इसका जो लोड बॉडी की हाइट होगी वो 1 फीट की होगी। इस एस गोल्ड CNG की जो लोड बॉडी है वो एस गोल्ड पेट्रोल और डीजल से ज़्यादा है। प्राइस की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की प्राइस 5,60,000 रुपये। इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस प्लेस टू प्लेस वेरी हो सकती है जिस जगह से आप गाड़ी परचेज करेंगे। और इस गाड़ी की माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी हमें 18 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। गाड़ी का माइलेज चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है, जिस तरीके से गाड़ी को चलाया जा रहा है। उसके बाद गाड़ी की वारंटी की अगर हम बात करते हैं तो इस गाड़ी की हमें टाटा 2 साल 72,000 किलोमीटर की ड्राइव लाइन वारंटी देती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं टाटा हमें अपनी गाड़ी के साथ क्या क्या फीचर्स देता है। टाटा हमें संपूर्ण सेवा का वादा देता है, जिसके अंदर टाटा वारंटी, टाटा डिलाइट, टाटा अलर्ट,
टाटा जिपी के अंदर आपकी गाड़ी जल्दी अटेंड होगी जब आपकी गाड़ी वर्कशॉप जाएगी। टाटा कवच जिसके अंदर क्विक एक्सीडेंटल रिपेयर होता है, टाटा सुरक्षा, टाटा ओके, टाटा जेन्युइन पार्ट्स और टाटा जेन्युइन ऑयल और टाटा प्रोफाइल जैसी काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसी के साथ अगर आपकी गाड़ी ब्रेकडाउन होती है तो जल्दी से जल्दी अटेंड भी करवाई जाती है। सामने नंबर दिया हुआ है 1800209797799, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। इसी के साथ यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा और एक अच्छा बड़ा ग्लव बॉक्स मिलेगा, डिक्की जिसे बोलते हैं। इसी के साथ ड्राइवर को फ़ोन चार्ज करने के लिए इस गाड़ी के अंदर यूएसबी चार्जर के लिए पॉइंट भी मिलेगा और गाड़ी के प्रॉफिट बढ़ाने के लिए यहाँ पे गाड़ी के लोड बॉडी की लेंथ बढ़ाई गई है, जिसकी लेंथ हो गई है अब 8.2 फीट। यहाँ पे हमें गियर शिफ्ट एडवाइज़र का फीचर भी मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग जो गाड़ी को गियर रिक्वायर होगा वो हम गाड़ी में डाल सकते हैं। जो भी अगर गाड़ी को लोअर गियर की आवश्यकता होगी तो हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिख जाएगा कि गाड़ी को गियर में ऊपर करना है या नीचे करना है, उससे सही गियर में हमारी गाड़ी हम ड्राइव कर सकेंगे और हमें बेटर माइलेज मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको गाड़ी की ये सब डिटेल अच्छी लगी और वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सब और भी वीडियो आपके उस चैनल पे देखने मिलेगी। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।